हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, उड़द की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। उड़द की खेती कब और कैसे की जाती है, उड़द की खेती करते समय जो स्पेशल फली छेदक सेमी लूपर्स इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए उड़द की खेती कब और कैसे करना चाहिए, भूमि के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे उन्नतशील किस्में, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। और भाई, अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, उड़द की खेती दोस्तों आप बरसात के लिए जून जुलाई अगस्त महीना काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और साथ ही जायद के लिए आप मार्च और अप्रैल महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। यदि जल भराव हो रहा हो खेत पर, तो उड़द की खेती दोस्तों आप बरसात पर ना करें, या फिर ऐसे खेतों पर ना करें जहां पर बरसात के दिनों पर पानी भरता हो खेतों पर। बाकी यदि थोड़ा सा ऊंचे इलाके हैं जहां पर जो आपके खेत हैं पानी बरसात हो जाने के बाद भरता नहीं है, तो उन खेतों पर भी आप बरसात के दिनों पर जून जुलाई अगस्त महीने पर आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। और जायद के लिए मार्च और अप्रैल सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा हमारे किसान भाई गेहूँ कटाई के बाद या फिर सरसों कटाई के बाद भी मार्च और अप्रैल महीने पर उड़द की खेती कर सकते हैं, उड़द की बुआई कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों, उड़द की जो क्रॉप है कम समय में जल्दी तैयार होने वाली फसलों में से एक है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर के बारे में बात करें, जलवायु की बात करें, तो हल्के मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। मिनिमम टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है काफ़ी बढ़िया माना जाता है। बल्कि आप सभी प्रकार के जो जलवायु होती टेम्परेचर पर आप खेती कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी। तो भूमि की बात करें तो उड़द की खेती प्रायः सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है खेतों पर आप खेती कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और उत्तम जल निकास का प्रबंध दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। मृदा की पीएच वैल्यू 6.5-7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी, 1 से 2 बार कल्टीवेटर आपको चलवाना है और ठीक तरीके से पाटा लगाकर खेत को समतल करा देना, खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो ज़्यादातर हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, देसी वैरायटी का चुनाव करते हैं। बाकी आप इन वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा प्रोडक्शन देने वाली जो वैरायटी हैं, जैसे UG 218 के नाम से आती है, जवाहर उड़द 2 के नाम से आती है, वसंत वीर के नाम से आती है, बरखा और वसंत बहार जैसी वैरायटी का सिलेक्शन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, या फिर कोई वेस्ट वैरायटी है तो उनका चुनाव भी आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो देखिए दोस्तों, बुआई के समय कौन कौन सी खाद देनी है। तो जब आप बुआई कर रहे हों, सीड्रल मेथड या फिर छटका विधि से आपको बुआई करनी है, और बुआई के समय 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, और 25 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इन तीनों को मिक्स करना है। और गोबर खाद सस्ते में उपलब्ध है या फिर घर में उपलब्ध है तो 1 से 2 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर कर आप एकदम रोटावेटर चलवा दीजिए, और उसके बाद आपको बुआई कर देना चाहिए। इस प्रकार आपको 1 एकड़ में बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करने से पैदावार में वृद्धि होती है। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप 1 एकड़ पर बुआई कर रहे हैं, सीड्रल मेथड से ही बुआई कर सकते हैं, और दोस्तों आप ब्रॉडकास्ट छिटका विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ में खेती करने के लिए। बीज उपचार। तो देखिए, 1 किलोग्राम बीजों को बीज उपचार करने से काफ़ी अच्छे से अंकुरण देखने के लिए मिलता है। 1 किलोग्राम बीजों को सीड्स को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार यदि करते हैं तो काफ़ी बढ़िया हमको जो एक प्रकार का जर्मिनेशन है, स्वस्थ अंकुरण देखने के लिए मिलता है। प्लांट डिस्टेंस, तो हमको कितनी दूरी पर बुआई करनी है, लाइन से लाइन की दूरी हमको 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 3 सेंटीमीटर, और आपको बीज की जो गहराई रखनी है 3.5 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीट कंट्रोल। तो देखिए, उड़द की फसल पर बहुत ज़्यादा खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जब बुआई कर रहे हो तो उस समय प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड पेंडामेथालिन 10% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको बुआई के तुरंत बाद
स्प्रे कर देना है दोस्तों, इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा। पेंडा मेथालीन 10% ईसी को आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके। फसल अंकुरण से पहले पहले बुआई करनी है, उसके बाद आपको स्प्रे कर देना, फिर आपको सिंचाई करना है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, सिंचाई यानी इरिगेशन। तो देखिए, उड़द की फसल बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली फसल है, और इसमें बहुत ज़्यादा यदि आप खरीफ सीजन पर खेती कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप जायद या फिर गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं स्प्रिंकलर से। स्प्रे शेड्यूल, तो देखिए दोस्तों, उड़द की जो फसल है इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती, बस 1 से 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है। वो इसलिए क्योंकि जब फल स्टेज पर हमारी उड़द की क्रॉप होती है या फिर पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि पीलापन की समस्या आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीला मोज़ेक वायरस, तो सफ़ेद मक्खी से बहुत तीव्र गति से फैलता है। उड़द की फसल पर पीलापन की समस्या एक अलग होती है, दूसरा पीला मोज़ेक वायरस है। यदि पीला मोज़ेक वायरस काफ़ी सालों से आ रहा है तो आपको रेजिस्टेंस वैरायटी का चुनाव करना है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार आपको फसल चक्र अपनाना है, उड़द की फसल की खेती नहीं करनी है। रेजिस्टेंस वैरायटी को आपको जरूर लगाना चाहिए, और सफ़ेद मक्खी की रस चूसा कीटों की यदि आप स्प्रे लेंगे तो फिर सफ़ेद मक्खी की यदि आप रोकथाम और कंट्रोल कर पाएंगे, तो एक बात ध्यान रखिए कि पीला मोज़ेक वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए, उड़द की फसल बहुत लंबे समय की फसल नहीं, कम समय की और बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप खरीफ सीजन पर कर रहे हैं, रबी सीजन पर तो सिंचाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको लगभग 1 से 2 स्प्रे करने की आवश्यकता है उड़द की फसल पर। कम समय पर अच्छा मुनाफा देने वाली उड़द की क्रॉप है। एक तो आप गेहूं कटाई के बाद बुआई कर दीजिए, और कम समय पर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे जब हमारी उड़द की फसल बुआई से लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, तो एमएम एक्टिन वेंजोएट 5% एसजी यानी क्रिस्टल की प्रोक्लेम आती है, 8 ग्राम लेना है, वायर कंपनी सोलमन वारा एमएल लेना, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो सिंजेंटा कंपनी की एम्पलीगो। अब 40-50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो एम्पलीगो क्यों स्प्रे कर रहे हैं? इसमें क्लोर एंट्रानीलिप्रोल और लैम्डा सालोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है जो कि 2-in-1 है, क्योंकि इल्ली और रस चूसा कीटों की रोकथाम करेगी। एम्पलीगो 10 ml लेना है, और आपको एक्सल क्रॉप केयर की स्वाधीन फपूंदनाशक 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि बात कर लें कीट प्रबंधन की, तो पीला मोज़ेक वायरस आता है, एफिड जैसिड थ्रेप सफ़ेद मक्की सेमी लूपर्स तंबाकू इल्ली फॉलारी वर्म है वॉल वर्म है कटर पिलर है पाउडरी मिल्ड्यूड है डाउनी मिल्ड्यूड, यहाँ से कीट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपयुक्त जो 2 स्प्रे बताए हैं, यदि आप इनका स्प्रे करते हैं उड़द की फसल पर तो कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करने के लिए उड़द की फसल पर 5 से 10 फीस आप ट्रैप लगाइए, पीला ट्रैप। इस प्रकार आप कीट रोगों को बीमारियों को कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। खाद का शेड्यूल यानी उर्वरक खादों की कितनी क्वांटिटी कितनी मात्रा पर हमको प्रयोग करना चाहिए उड़द की फसल पर। देखिए दोस्तों, उड़द की फसल पर बहुत ज़्यादा खाद और दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बुआई के समय यदि आप पूर्ति करते हैं तो पैदावार भी बढ़ेगी, और एक खाद यदि आप अपनी उड़द की फसल पर दे देते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपकी पैदावार बढ़ने वाली है उड़द की, और चमक क्वालिटी साइज शेप काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। तो 25 से 30 दिन के आसपास की हमारी उड़द की फसल बुआई से होती है, तो यूरिया और उर्वरक खाद हमको लेना है 40 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना है 5 किलोग्राम, सागरी का दानेदार आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करना है और जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई कर देना है। दोस्तों, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं उड़द की फसल पर, केवल और केवल एक फर्टिगेशन कॉम्बिनेशन देने की आवश्यकता है, बस केवल और केवल एक खाद देने से काफ़ी अच्छी पैदावार होगी, फसल हरी भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उपज देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल, तो उड़द की जो क्रॉप है लगभग 2 महीने के आसपास की फसल है, यानी 60 से 70 दिन का समय लग जाता है, और अधिकतम 70 दिन, मान लो 2 महीने में यह फसल 2-2.5 महीने में यह फसल तैयार हो जाती है। बात कर लेते हैं उत्पादन,
तो एक एकड़ में जो उत्पादन है 5 से 6 क्विंटल के आसपास एक एकड़ से पैदावार होती है। और बात करते हैं बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये क्विंटल की जो कीमतें हमको बाजार भाव मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलता है। और बात करते हैं लागत, तो एक एकड़ में जो लागत लगेगी लगभग 8 से 10,000 रुपये के आसपास एक एकड़ का जो खर्च है वो लग जाता है। आइए समझते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट, और साथ ही हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का विश्लेषण। यानी एक एकड़ में हम बुआई करते हैं, खेती करते हैं, लागत लगाते हैं, उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा तो आमदनी किस प्रकार होगी। तो देखिए मुनाफा यदि हमको आमदनी अच्छी हो तो बाज़ार भाव यदि अच्छे रहते हैं, प्रति क्विंटल अच्छे कीमतें देखने के लिए मिलती हैं और पैदावार अच्छी होती है तो आमदनी बढ़ जाएगी। हम 6,000 रुपये क्विंटल का ही रेट ले लेते हैं और एक एकड़ से उत्पादन हुआ 6 क्विंटल, तो 6,000 में 6 का हम इंटू कर देंगे तो 36,000 रुपये के आसपास दोस्तों एक एकड़ से मुनाफा होगा। अब 36,000 रुपये में से 10,000 घटा देंगे तो 26,000 रुपये के आसपास दोस्तों एक एकड़ से हमारी आमदनी हुई। लगभग 25 से 26,000 रुपये हमारे किसान भाई एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एकड़ में यदि आप उड़द की खेती करते हैं तो मात्र केवल और केवल अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, गेहूं कटाई के बाद खेत वैसा का वैसा पड़ा रहता है, तो ज़्यादा बेटर है कि खेत खाली ना पड़ा रहे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि गेहूं कटाई के बाद खेत की हल्की फुल्की तैयारी कराइए और उसके बाद उड़द की आप बुआई कर सकते हैं, मूँग की बुआई करिए। तो इससे होगा क्या कि देखिए आप 2-5 एकड़ या फिर 10 एकड़ पर खेती करते हैं तो देखिए कम समय पर अच्छी पैदावार हो गई, काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल गया, गेहूं भी मिल गई और गेहूं कटाई के बाद हमने बुआई भी कर दी, बरसात आने से पहले हार्वेस्टिंग हो गई और आप खरीफ सीजन पर भी आप उड़द की बुआई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आप अच्छा खासा लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताया, स्पेशल किसान भाइयों काफ़ी दिनों से कॉमेंट्स आ रहे थे कि उड़द की खेती किस प्रकार करनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कीटनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी शेयर की, खाद के बारे में, एक एकड़ में कितनी क्वांटिटी आपको सीड्स की लेनी है, कौन सी वैरायटी है, बाकी आप जो वैरायटी लगा रहे हैं उन्नतशील किस्में जो कि आपके एरिया में राज्य के हिसाब से बेटर वैरायटी हो उन्हीं का हमारे किसान भाइयों को सिलेक्शन करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।